हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अनुपात और समान अनुपात के चैप्टर में आपका टाइप होगा, देख सकते हैं टाइप नंबर 4 है, जो उसका नाम हमने दिया है नोटों या सिक्कों तथा रुपयों के अनुपात पर आधारित प्रश्न। दैट मीन्स इसका पहले सबसे आपको कंसेप्ट आना चाहिए। कंसेप्ट हम मात्र एक मिनट बताने में लगेगा। कंसेप्ट बता देते हैं कि नोटों या सिक्कों की संख्या अगर जो दिया रहे और अगर जो नोटों या सिक्कों का मूल्य दिया रहे तो क्या करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आपके प्रश्न में संख्या से मूल्य में जाना है, संख्या से मूल्य में कन्वर्ट करना है या बदलना है तो क्या करेंगे, गुना करते हैं। और अगर जो मूल्य से संख्या में बदलना है तो क्या करते हैं, भागा करते हैं। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। संख्या से मूल्य में जाना है तो गुना करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर देखिए 118 SSC CGL Tier 2 9 मार्च 2018 CGL Mains का क्वेश्चन है। 9 मार्च 2018 को पूछा गया था, एक पर्स में 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के के रूप में 6:9:10 के अनुपात में 34.5 रुपया है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें और ऑप्शंस दिया गया है 10, 30, 20 और 40। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस का शॉर्टेस्ट फॉर्म लिख दिया है कि 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात है 6:9:10। ये 10 था, 6:9:10 आपके क्वेश्चंस में दिया गया है, देख सकते हैं। तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या कितना है जो क्वेश्चंस पूछ रहा है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, सबसे पहले क्वेश्चंस में आपको दिया गया है 34.5 रुपया। कुल मूल्य कितना दिया गया है क्वेश्चंस में, ये ध्यान रखना है कि कुल मूल्य कितना दिया गया है, तो 34.5 रुपया। तो हमें जो निश्चित राशि कुल मूल्य दिया गया है, दैट मींस हमें संख्या से मूल्य निकालना है। संख्या से मूल्य निकालने के लिए गुना करते हैं, तो ये ध्यान रखिए संख्या से मूल्य निकालने के लिए गुना करेंगे। दैट मींस 1 रुपया वाला कितना है, 6 सिक्का है, तो 1 × 6 यानी कि इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यानी कि 6 रुपया हो गया। प्लस उसके बाद 50 × 9 करेंगे तो 50 × 9 करने का मतलब कितना हो जाएगा, 9×5 = 4,500 यानी 450 पैसा रुपया बदलेंगे तो 4.5 रुपया लिख सकते हैं। उसके बाद प्लस 10 पैसा वाला 10 सिक्का है तो क्या कर सकते हैं, 10 × 10 करने का मतलब 100 पैसा। 100 पैसा करने का मतलब कितना हो जाएगा, रुपया बदलेंगे तो डायरेक्ट 1.00 रुपया लिख सकते हैं यानी कि 1 रुपया। तो देखिए 6×4=10 = 11 मतलब 11.5 रुपया हो गया टोटल रेशियो में। और प्रश्न में दिया है कितना, 34.5 रुपया। दैट मींस कहने का मतलब 11.5 रेशियो का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चंस में, 34.5 रुपया। तो 1 रेशियो का वैल्यू आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 34.5/11। अब इसे सोल्व कर लीजिए थोड़ा सा, तो 34.5 या डेसिमल हटा दीजिएगा यहीं से, तो 3 बार में डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है ना, यानी कि 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया, तो 3 यूनिट। अब जो पूछे आप बता सकते हैं, जैसे 10 पैसा के सिक्कों की संख्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 10 पैसा के सिक्कों की संख्या 10 यूनिट है, तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 10 × 30 यानी कि 10 पैसा वाला कितना सिक्का है, तो 30 सिक्का है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 पैसा यहाँ क्वेश्चन में आपका आंसर कितना हो गया, यहाँ पर 30, और 30 आपका ऑप्शन नंबर देखिए ए बी नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है। तो 10 यूनिट का वैल्यू निकालना था, यही आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 118 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 119 जो आपका उल्टा दिया है, मूल से संख्या में जाना है तो क्या करना होगा, भागा करना होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 119 नंबर क्वेश्चन SSC CHSL 10/7/2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था। 8,000 रुपया को ए बी और सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि उन्हें क्रमशः 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया के नोट प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा प्राप्त राशि 15:2:3 के अनुपात में है। दैट मीन्स मूल्य का अनुपात आपके क्वेश्चन में दिया गया है। 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया के नोटों की संख्या बताइए। यहाँ संख्या नोटों की संख्या पूछ रहा है, मतलब उल्टा आपको ये दिया है और ये पूछ रहा है, तो इधर से इधर जाना है यानी कि मूल्य से संख्या की ओर जाना है, तो भागा करते हैं। आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में याद रखना है, मूल का रेशियो दिया गया है, जैसे 8,000 रुपया कोई भी सेम में 500 रुपया, 200 रुपया और 100 रुपया के नोटों में बांटना है, तो मूल का अनुपात दिया है 15:2:3 मतलब 500 रुपया वाला जो भी नोट है उसका मूल कितना है, 15 रुपया यानी कि 15 रुपया मूल्य है 500 रुपया का, तो 1 रुपया मूल्य होगा 15/500। इसी प्रकार से यानी कि डायरेक्ट हम लिख रहे हैं संख्या निकालने के लिए, जो हमने यहाँ पर लिखा है ये वाला फॉर्म कि मूल से संख्या निकालना है तो क्या करते हैं, भागा देते हैं, यानी कि 15/ कितना करेंगे, 500। उसके बाद यहाँ 2/ कितना करेंगे, 200 और ये 3/ कितना करेंगे, तो 100।
अब जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपका आंसर होगा। तो दो जीरो यहां पर सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं क्योंकि सभी का डिनोमिनेटर में दो दो जीरो था। अब ये पांच एकम पांच, पांच या पंद्रह, यहां से दो, ये तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा एक बार में, और ये तीन बटा एक है, मतलब थ्री इज टू वन इज टू थ्री आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? तीन एक तीन, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 8/8/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया था। एक बैग में एक रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है, यानी 5:7:9 है। यदि बैग में कुल राशि 30 मतलब 430 रुपया है तो बैग में 25 पैसा के कितने सिक्के हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि कोई बैग में एक रुपया 50 पैसा 25 पैसा का सिक्कों की संख्या का अनुपात 5:7:9 है और बैग में कुल राशि 430 रुपया है, तो 25 पैसा वाला कुल कितना सिक्का है, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पाइस, मतलब 25 पैसा वाला कितने सिक्के हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया हुआ है रूल कि देखिए संख्या का अनुपात दिया है और प्रश्न में दिया है कुल राशि मतलब 430 रुपया मूल्य है, तो हमें मूल्य जाना है, संख्या से मूल की ओर जाना है, तो संख्या से मूल की ओर जाना है तो क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो मूल हमें निकालना होगा, पहले रेशियो में मूल कितना है और टोटल मूल प्रश्न में दिया है 430, तो पहले रेशियो में मूल कितना है, तो एक रुपया वाला पांच सिक्का है तो ये तो 5 रुपया हो गया इसका मूल, प्लस या 1 × 5 आप लिख सकते हैं, उसके बाद 50 × 7 करेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं, तो 7×5=35, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 350 पैसा, तो 100 से भाग देंगे तो 3.5 रुपया होगा ना। इसके बाद यहाँ पर 25 × 9 करेंगे तो 25×9=225 पैसा, तो 2.25 यानी कि 2.25 रुपया हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो 3, 5, 8, 2, 10 और 50×25=75 यानी कि 10.75 यानी कि 11.25 रुपया बोल सकते हैं। तो इतना रेशियो का वैल्यू प्रश्न में इतना दिया है, डेट मीन्स कहने का मतलब 10.75 रेशियो का वैल्यू 430 रुपया दिया है क्वेश्चन में। रेशियो में कुल मूल्य हो गया 11.25 रुपया, प्रश्न में कुल मूल्य दिया है कितना 430 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 430 बटा कितना करेंगे 10.75, डेसिमल हटा देते हैं तो कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाता है। यहाँ पर ऊपर में दो जीरो हो जाएगा, 25×100 और 25×75, 25×100 ये 43 दहन 430, 10×40 डेट मीन्स एक रेशियो का वैल्यू आपने कितना निकाल लिया 40, एक रेशियो का वैल्यू 40 निकाल लिया। अब जो चाहे बता सकते हैं क्वेश्चन से 25 पैसा के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसा की संख्या कितना हो गया 9, यानी कि 9 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन से पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 40 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 40×9, कहने का मतलब 9×36 तो 360, यानी कि 25 पैसा के कितना सिक्का है तो 360 सिक्का है, तो 360 आपका कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर ये था 120 का, देखिए 360 आपका ऑप्शन नंबर कितना है बी, यहां भी लिख देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 121, क्वेश्चन नंबर देखिए 121, 121 नंबर क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 5/8/2019 को शिफ्ट 3 में पूछा गया था। एक बैग में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:2:4 है, 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 1:2:4 है। यदि बैग में कुल धन 225 रुपया है, बैग में कुल धन 225 रुपया हमने लिख दिया है, तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, ये आपका क्वेश्चन का लैंग्वेज है, पूछा गया था, हमने बता दिया है एसएससी एमटीएस 5/8/2019 को शिफ्ट 3 में। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या होगा, आपको पता होगा कि क्वेश्चन में सिक्कों की संख्या दिया है तो, और कुल जो निश्चित राशि है, कुल धन यानी कि कुल मूल्य दिया है 225 रुपया, तो हमें मूल्य में लाना होगा रेशियो में, तो रेशियो में कुल मूल्य कितना है जो निकालना होगा, फिर उतना रेशियो का वैल्यू 225 रुपया, एक रेशियो का वैल्यू निकालेंगे ना, तो संख्या से मूल्य जाने के लिए गुना करते हैं। तो देखिए 1 रुपया वाला एक सिक्का है, तो 1×1 कहने का मतलब 1 हो जाएगा, प्लस 1 रुपया लिख भी सकते हैं, 1 रुपया ये हो गया प्लस। उसके बाद यहाँ देखिए 50 पैसा वाला 2 सिक्का है, तो 50×2 यानी कि 100 पैसा, 100 पैसा बोल सकते हैं 1 रुपया प्लस 25×100, 25×4 आप लिख सकते हैं, तो 25×4=100 होता है, तो 100 कहने का मतलब 100 पैसा, तो 1 रुपया, तो 1×1=3 बार मतलब ये कितना हो गया आपका 3 रुपया। डेट मीन्स कहने का मतलब तीन रेशियो का वैल्यू कितना दिया है 225 रुपया, तीन रेशियो का वैल्यू 225 रुपया, तो एक रेशियो का वैल्यू आपने निकाल लिया कितना
225 बटा 3 कर सकते हैं या डायरेक्ट 75 किया 225 होता है, तो एक रेशियो का वैल्यू 75 रुपया। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है 50 पैसा के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसा के आपको संख्या कितना दिया है 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू बहुत ही 50 पैसा वाला पूछ रहा है ना, तो 50 पैसा वाला 2 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, 25 पैसा वाला नहीं, आपको ये पूछ रहा है कि 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, जो तो 1 यूनिट का वैल्यू 75 रुपया, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 75 गुना 2, कहने का मतलब कितना 150 रुपया। अगर जो कुछ ये तो 150 पहले कौन सा ऑप्शन से पहले बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 121 का देखिए, 150 आपका ऑप्शन नंबर है ए। अगर जो क्वेश्चन में पूछता कि 50 ये 25 पैसा वाला कितना है, तो 4 गुना कितना करते 75 यानी कि 300 हो जाता। अगर जो 1 रुपया वाला पूछता तो कितना हो जाता, सिर्फ 1 गुना 75 यानी कि 75, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ये 150 सिक्का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 122 है, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है, पहले पूछा गया है क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 13/8/2019 को सिक्का 2 में एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के नोट 10:5:2 के अनुपात में है। दैट मीन्स कहने का मतलब एक बैग में 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये के नोटों की संख्या दिया है 10:5:2 के अनुपात में, या हम लिख भी दिए हैं कि 10 रुपये वाला 10 नोट है, 5 रुपये वाला 5 नोट है, 2 रुपये वाला 2 नोट है, क्वेश्चन में दिया है। आगे क्वेश्चन में लिखा है बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल 2 रुपये के नोटों के कुल मूल की तुलना में 84 रुपये अधिक है, तो बैग में 10 रुपये के नोटों का कुल मूल कितना होगा। देखिए क्या लिखा है, बैग में 5 रुपये के नोटों का कुल मूल, 5 रुपये के नोटों का कुल मूल यहाँ कितना हो जाएगा, 25। और आगे लिखा है 2 रुपये के नोटों का मूल, तो 2 रुपये के नोटों का मूल 2×2=4, तो ये क्वेश्चन में लिखा है 84 अधिक है, यहाँ ये कितना अधिक है देख सकते हैं, मतलब 4 से 25 कितना अधिक है, तो ये 21 अधिक है, तो 21 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में 84 दिया है, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21×84, 1 रेशियो का वैल्यू 4 हो जाएगा ना, 1 रेशियो का वैल्यू 4 रुपया, तो सभी में 4 से गुना कर देंगे तो आपका एक्चुअल में निकल जाएगा क्या, नोटों की संख्या, मतलब ये 10×40 नोट हो गया, और मतलब 10 रुपये वाला 40 नोट हो गया नोटों की संख्या, ये 5 रुपये वाला 20 नोट हो गया और 2 रुपये वाला 8 नोट हो गया, तो जिसका भी मूल पूछ रहा है, अगर जो 10 रुपये का मूल पूछ रहा है, 10 रुपये के नोटों का मूल पूछ रहा है क्वेश्चन में, देख सकते हैं क्वेश्चन में यही पूछ रहा है 10 रुपये के नोटों का मूल, तो 10 रुपये वाला 40 नोट है, ये क्या है 40 नोट, 10 रुपये वाला 40 नोट है, तो कितना मूल हो गया, 10×40 करने का मतलब 400 रुपया हो गया, 10 रुपये वाला 40 नोट है मतलब 400 रुपये हो गया, और 400 आपका ऑप्शन नंबर कितना है, डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन अगर जो पूछता 5 रुपये वाला नोटों का मूल, तो 25 100 रुपये हो जाता, 2 रुपये वाला नोटों का मूल 10×16 रुपये हो जाता, तो सभी प्रकार के हम आपको बताते जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 123 ये है एसएससी जीडी कांस्टेबल 13 फरवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, एक थैला में 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्के के रूप में 840 रुपया है, मतलब कुल मूल्य कितना दिया है 840 रुपया, हमने लिख दिया कुल धन 840 रुपया है, 1 रुपया, 2 रुपया तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात दिया है 8:1:5, हमने अनुपात में लिख दिया संख्या का अनुपात 8:1:5 है, तो थैले में 5 रुपया के कितने सिक्के हैं, थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, यहाँ हमने लिख दिया 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो शॉर्टेस्ट फॉर्म में हमने बोर्ड पे क्वेश्चंस में लिख दिया है, इसे सॉल्व कीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में निश्चित राशि दिया है कुल धन, मतलब कुल मूल दिया है, कुल मूल 840 रुपया दिया है, तो रेशियो में कुल मूल कितना है जो निकालिए, तो संख्या से मूल्य जाने के लिए गुना करते हैं ना, तो देखिए 1 रुपये वाला 8 सिक्का है, 1 रुपये वाला 8 सिक्का है, तो मूल्य निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 1×8 करने का मतलब 8 रुपया हो गया, 1 रुपये वाला 8 सिक्का है तो 8 रुपया, 2 रुपये वाला 1 सिक्का है तो 2×1 करने का मतलब 2 रुपया, और उसी प्रकार से 5 रुपये वाला 5 सिक्का है तो 5×5 करने का मतलब 25 रुपया हो गया। अब रेशियो में टोटल 25×2=27 और 8 कितना हो जाएगा 27×8=35, यानी कि टोटल 35 रुपया हो गया रेशियो में, दैट मीन्स 35 रेशियो का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है आपको 840 रुपया, 35 रेशियो का वैल्यू 840 रुपया, तो 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा 840/35, इसे कैलकुलेशन कर लीजिए तो 840 को हम लिख सकते हैं 84×10 और बटा 35, ये 7×5=35, 2×5=10, ये बढ़ सकते 84 तो 12×2=24, 1 रेशियो का वैल्यू कितना हमने निकाल लिया, 1 रेशियो का वैल्यू निकाल लिए 24। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, तो 5 रुपये वाला सिक्कों की संख्या कितना है,
यानी कि 5, तो 5 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चंस में, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 रेशियो का वैल्यू 24, तो 5 रेशियो का वैल्यू 24 गुना 5 या 5 गुना 24 दैट मींस 120, यानी कि 5 रुपए के 120 सिक्का है। तो 120 आपका कौन सा ऑप्शन है, देखिए क्वेश्चंस नंबर था आपका 123 का डी नंबर ऑप्शन आपके प्रश्न में दिया गया है। तो इसके बाद अब आपका न्यू टाइप है जो मिसलेनियस है, देख सकते हैं इसके बाद 124 नंबर में आपका है मिसलेनियस, जिससे विविध प्रश्न बोल सकते हैं। तो ये आपका 124 से लेकर टोटल कितना है देख लीजिए, टोटल आपका 149 तक होगा, टोटल आपका कितना है 149 तक। इसके बाद न्यू एक्सरसाइज है परसेंटेज। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जल्दी करें, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का चैप्टर स्टार्ट करेंगे और एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे।